हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो आज कुछ सूचनाएं हैं जो आपके सामने रखे हैं। जैसा कि अभी CBT 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, और CBT 2 में जिस लेवल के सिटिंग और पजल का बहुत ज़्यादा समस्या रहा है, आपको पता है। फिर आने वाले समय में ग्रुप D है, दोनों के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको किन किन सावधानियों किन किन बातों पर सावधानियां बरतनी है। आपको पता है कि इस बार रीजनिंग बहुत आउट ऑफ सिलेबस, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस कहने का मतलब आपके माइंड से बाहर का क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने सेटिंग पजल पर मेहनत किया था, हायर लेवल के क्वेश्चन पर मेहनत किया था, वो बच्चे बना करके आए हैं। गलती आपकी बस इतनी रही कि इंपॉर्टेंट चैप्टर को कम ध्यान देकर के आप प्रीवियस ईयर के आधार पर आप तैयारी करके गए थे, उन बच्चों को समस्या आई। तो आपको ग्रुप D वाले सारे बच्चों को मैं अभी से अलर्ट कर दूं कि ग्रुप D जो पहले का पेपर रहा था रीजनिंग का, इस बार वो पेपर नहीं रहेगा। मैथ भी वैसा नहीं रहेगा, साइंस भी वैसा नहीं रहेगा। हर पेपर को अपडेट किया गया है, हाई लेवल किया गया है, पता है आपको। तो उस संबंध में आपको सिटिंग पजल एक अमुक समस्या है, तो उसके लिए मैं रीजनिंग का एक स्पेशल सेशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बहुत जल्द मैं लेकर के आने वाला हूं। उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, उसका भी वीडियो आपको बता दिया जाएगा कि कब उस पर जो है सो वीडियो हम बनाएंगे। आप बस फॉलो करते रहेगा चैनल को। और अभी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो भी बच्चा इससे जुड़ा हुआ था, रिव्यू लिया गया है, सारे बच्चों से रिव्यू लिया गया, तो ये हर बच्चे बना करके आए हैं। सेशन के बारे में जो कि प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एक कहा जाए कि बैचेज जो बनते हैं वो सेशन होता है। लगभग बहुत सारे बच्चे इससे जुड़े रहते हैं और बहुत सारे फायदे भी होते हैं। अगर कुछ बच्चे का रीजनिंग थोड़ा कमजोर है, साइंस कमजोर है, तो इस सेशन की वजह से वो मजबूत भी कर लेता है और प्रैक्टिस भी कर लेता है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले सेशन की बात करेंगे, जो हमारा सेशन 6 है। ये सेशन है क्या? तो 35-35 क्वेश्चन मैथ का और रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन आपका साइंस का रहता है, और 25 क्वेश्चन आपका जीके का, जीएसआर जीके जीएस का रहता है, जो डेली चलता है आपका सेशन वाइज। ठीक है, ये आपका सेशन वाइज चलता है। इसमें बेहतरीन एग्जाम या एग्जाम से हाई लेवल क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं, आपको सीखने का बड़ा मौका मिलता है। तो सबसे पहले साइंस में क्या कुछ रहने वाला है, आतिश सर बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा कि सेशन 6 में रीजनिंग में क्या सब रहने वाला है और किन किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले मैं चाहूंगा कि आशीष सर बताएं कि साइंस के बारे में, कि साइंस में क्या सब रहने वाला है, किन किन एग्जाम के बच्चों को यह फायदेमंद रहेगा। सर चलिए, थैंक यू सर। जैसा कि मेरे दोस्त जितने लोग लाइव हैं और जितने लोग इस चीज वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप टेस्ट देते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी देते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट देते हैं। और आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है और पैटर्न के लिए जाना जाता है, और इसी पैटर्न पे आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए, अभी जो लोग बच्चे एग्जाम दिए भी हैं और जाकर के आगे ग्रुप D का जो पेपर होगा, वो सारा चीज आप देखिएगा, आपको नजर आएगा। जब आप एग्जाम के बाद आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस यहीं से निकल करके आते थे। तो मेरे दोस्त, ये जो सेशन है आपका, छठा जो सेशन है, जिसमें आपको साइंस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल भी होंगे, केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स का भी होगा, और साथ ही साथ थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। हमें लगता है कि अगर इस सेशन को आप करते हैं तो आपको साइंस में कभी परेशानी नहीं होगी। और सिर्फ ये ग्रुप D के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम में जाकर के बैठिएगा तो देखिएगा इसी जगह से क्वेश्चंस निकल करके आता है। और आने वाले समय में बिहार SSC वगैरह भी आपके सामने है। मेरे दोस्त, आपको हम फिर से बता देना चाहते हैं कि अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखना है और मेहनत आपको मजबूती के साथ करना है। और मेहनत का और सबसे बड़ा यही एक रास्ता है कि आपके साथ जो टेस्ट सीरीज जुड़ा हुआ रहता है, ये सबसे बढ़िया रास्ता है कि आप इसको लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे। यानी आपको मेहनत करना है इसी पे। और ये 25 क्वेश्चन का जो सेट आपको मिलेगा, जिसमें साइंस का आप देख पा रहे हैं, जो कि 25 क्वेश्चन का सेट होगा, और ये 30 मिनट टेस्ट आपका होगा, और उसके बाद आपका डिस्कशन होता है। तो 1 घंटे का डिस्कशन आपका होगा, ये आपका 20 सेट का टेस्ट होता है। अगर हमको लगता है कि इतना क्वेश्चन अगर 25 क्वेश्चन का पैटर्न पे आप करते हैं, और उसमें भी आपके काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही डाले जाते हैं, हमें लगता है कि अगर आप इसको करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसको कंटिन्यू करना ही करना है। नहीं करने वाले बच्चे को बाद में पता चलेगा कि वो कहां गलती करते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत सस्ता में ये सब चीज लाया जाता है, और इस चीज का फायदा आप घर बैठे आप ले सकते हैं। तो अभी हम आगे फिर देखते हैं, आगे आपके सामने अभी रीजनिंग का, जो कि गौरव ग्रास सर आपको बताने वाले हैं। देखिए, अभी आशीष सर बड़ा अच्छा बात बताए, ठीक है, कि नहीं करेंगे तो लॉस में रहेंगे। जो कि CBT 2 में जो 2 डेट में एग्जाम हुआ है, 9 तारीख और 10 तारीख को, क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ना भोले बन करके, लालच में फंस करके यूट्यूब की दुनिया में
पहुंच जाते हैं। और उस यूट्यूब की दुनिया में क्या होती है, पढ़ाई कम बकवास ज्यादा, या आसान आसान क्वेश्चंस को करवाया जाता है। तो आपको रिजल्ट लेना है, रिजल्ट लेने के लिए आपको डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। और यहां पर जो रीजनिंग में मैं क्या करने वाला हूं, ये किन किन बच्चों के लिए है, एनटीपीसी सीबीटी 2 जो देंगे उनके लिए, जिनका आने वाले समय में ग्रुप डी है, ग्रुप डी के लिए मैं हाई अलर्ट पर करना चाहता हूं, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये मत सोचो कि क्वांटिटी सर 35 है, रीजनिंग 30 पूछेगा, आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना। ये कौन सा बैच है, प्रैक्टिस का बैच है, एग्जाम में आपसे थोड़ी ले रहा हूं, प्रैक्टिस का बैच है। 35 क्वेश्चंस पर दिन आपको हर दिन 35 क्वेश्चन मिलेगा, 30 मिनट आपको टेस्ट की टाइमिंग होगी, और एक घंटा कंप्लीटली इसका डिस्कशन होता है जो कि मेरे ही द्वारा करवाया जाएगा। ये किन किन बच्चों को फायदेमंद रहेगा, एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल, और सबसे बड़ा बिहार एसएससी वाले को, क्योंकि आपको पता है कि इस बार बिहार एसएससी में भी लेवल बढ़ करके आने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइमिंग है साइंस की, टाइमिंग है 2 से 3 डिस्कशन की, रीजनिंग की टाइमिंग है डिस्कशन की शाम को 5 से 6। अगर आप अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी प्रकार से मैथ में, मैथ आशु नायक सर के द्वारा आपको सेम चीज जैसे रीजनिंग है वैसे ही मैथ, 35 क्वेश्चंस का 20 सेट मिलेगा, 30 मिनट आपकी टाइमिंग होगी और एक घंटा इसका डिस्कशन होगा, और जबरदस्त तरीके से डिस्कशन होगा। उसके बाद आते हैं सेम इसी तरह से स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, एसके कश्यप सर के द्वारा बेहतरीन तरीके से करवाया जाता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, जो 35 क्वेश्चन 30 मिनट 20 सेट और एक घंटे का डिस्कशन आने वाले हर एक एग्जाम के लिए है। और इसकी फी कितनी है सर यह भी बता दो, फी वनली की कोई भी, चाहे सब्जी वाले का बच्चा हो, ठेले वाले का बच्चा हो, कोई भी अफोर्ड कर सके, ओनली 100 रुपीज मंथली पर सब्जेक्ट। मैथ लेना है 100 रुपीज पर मंथली, रीजनिंग लेना है, आप स्पेशली साइंस लेना चाहते हैं स्पेशली साइंस ले सकते हैं, स्पेशली रीजनिंग लेना चाहते हैं तो रीजनिंग ले सकते हैं, स्पेशली मैथ लेना चाहते हैं स्पेशली ले सकते हैं। अगर आप चारों पेपर लेना चाहते हैं तो 400 के बदले आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 300 रुपये पे करना है, यही 4 सर के द्वारा, कश्यप सर, आशीष सर, आशु सर और मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तो आने वाले समय में याद रखिएगा, बाकी की दुनिया में आपको लॉस ही रहेगा। कहा जाता है कि अगर आपकी रिजल्ट अगर आ गई तो अगर आपने कितना भी पैसा खर्च किया वो सारा वसूल हो जाता है, नहीं तो कम से कम फ्री में भी पढ़े तो आपका समय जरूर बर्बाद हो गया। तो इसीलिए क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान दें आप, और सारे बच्चे इसमें जुड़े। और रह गई बात सिटिंग और पजल के सेशन की, तो मैं एक्चुअली एग्जाम से पहले, ग्रुप डी और इसके पहले, जबरदस्त तरीके से सिटिंग पजल आपका क्लियर करवा दूंगा, एग्जाम से पहले क्या कुछ दिन के बाद, यूट्यूब पर पूरा लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास, 200 से 300 क्वेश्चन के आसपास मैं सिटिंग पजल करवाऊंगा, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज सर ये भी है कि इस बैच का सबसे बड़ा खासियत ये है इस सेशन का, इसमें इसमें बच्चे तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को रखे जाते हैं कि जिनकी संभावना आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखेगी। मेरे दोस्त इसको करना एकदम नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग काफी मेहनत करते हैं, बहुत कम पैसा है, यानी कहने मतलब उतना पैसा तो इंस्टीट्यूट में आप कहां चला जाता है पता भी नहीं चलता है, लेकिन बस और बस ये बैच आपके सफलता के लिए ही दिया जाता है। तो क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी है, थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चंस में कहीं एरर हो जाता है तो उसको नेग्लेक्ट करना, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन में आपको टीचर सब कुछ सुधार देता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है और आपको मेहनत करना है और इस बार आपको सफल होना है मेरे दोस्त। तो चलिए इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहां पर विराम कर देता हूं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन जब होगा तो वहां पर हम लोग फिर बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, ओके बाय।